15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त 2024 आज के दिन हमारे भारत देश को आजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और हम 78 पे एंट्री कर चुके हैं। मगर इस पूरे एंट्री में पूरे सीजन में या फिर इतने पूरे हम जब आजाद हुए थे इस पूरे सालों में मैं आज ये जरूर कहने पे मजबूर हो चुका हूँ कि अगर हम नहीं आजाद हुए होते तो शायद अच्छा होता। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसे मुद्दे से जोड़ना चाह रहा हूँ जिस मुद्दे को सुनने के बाद शायद आपके मुंह से भी यही स्वर निकलेंगे कि भाई किस तरीके से हम आजाद नहीं हुए होते तो बहुत ही अच्छा होता। क्या इसलिए हमने आजाद हुए थे या फिर अंग्रेजों के गुलाम से हम आजाद इस वजह से हुए थे ताकि कल हमारा ही हमें काटे और हमें दफनाकर चला जाए यहाँ पे, या फिर हम उसे आजादी कहते हैं कि हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुके हैं, या फिर हम उसे आजादी कहते हैं कि हम अब चंद रुपयों से अपने घर के बगल में एक जमीन खरीद सकते हैं, उस पर एक होटल बना सकते हैं और उस होटल में कुकर्म कर सकते हैं, या फिर हम आजाद इसलिए हुए थे कि अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड उत्तराखंड में हो जाए अभी तक उसे आजादी ना मिले, या फिर हम इसलिए आजाद हुए थे कि कोलकाता में पढ़ने वाली मेडिकल छात्रा उसके साथ इस तरीके का कुकर्म किया जाए कि जिस वजह से उसके माँ बाप आज भी सड़कों की धूल भापते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त शिवाजी नगर पे मौजूद हूँ। नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित गैरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। जब भी बोला बेबाक बोला और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। पीछे ये देख सकते हैं आप, ये जो रेजिडेंसी मुझे अभी आपको देखने को मिल रही होगी डिवाइन रेजिडेंसी है यहाँ पर, जिसके अंदर पिछले 7 तारीख को अगस्त के एक 13 साल की बच्ची के साथ एक 27 साल के युवा, जिसको हम युवा नहीं बोलेंगे एक राक्षस बोलेंगे, वो आता है एक कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर उस बच्ची के साथ कुकर्म करता है। और देखिएगा सबसे बुरी बात और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हमारे देश का शासन प्रशासन यानी कि हमारे पुलिसकर्मी उन तमाम मुजरिमों को बचाने में लगे हुए हैं जो कि ऐसा कर्म करते हैं, या फिर हमारे प्रशासन हमारे नेता आज झंडा फहराते हुए नजर आ रहे होंगे, या फिर अपने आस पड़ोसी घर बार बीवी बच्चे और अपनी राजनीति को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सामने आप देख पा रहे होंगे डिवाइन रेजिडेंसी, जिसका नाम ही डिवाइन रखा गया है। डिवाइन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद आप सोचते होंगे अरे वाह, मैं कुछ ऐसे अच्छी जगह पे आ चुका हूं। ये हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, ये स्वतंत्रता दिवस कुछ इस तरीके का भी हो रहा है। नहीं नहीं, गलती उस लड़की की है, वो 13 साल की बच्ची की गलती है, उस आदमी की गलती नहीं है जिसका नाम यहाँ पे रविंदर मिश्रा बताया जा रहा है, जो कि पूर्णानंद स्कूल में एक क्रीड़ा का शिक्षक था। शिक्षक नहीं, अपनी बच्ची के साथ ऐसा कुकर्म करता है। और तब हम बोलते हैं कि हमारे उत्तराखंड में देव भूमि है, हमारे उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है, यहाँ पे गंगा बहती है, यहाँ पे जमुना बहती है, यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, प्रथम पूजने हमारे शिक्षक होते हैं, तो ऐसे शिक्षकों को पूजने से क्या फायदा। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ है, मगर मैं आपको उनसे मिलाने से पहले आपको बता दूं कि गलती उस 13 साल की बच्ची की है, या फिर गलती उस 31 साल की लड़की की है जो कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला करती है, वहां काम करती है ताकि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूं, उनको तमाम चीजें दे सकूं। उस बच्ची की गलती है, गलती उस बच्ची की है जो कि इंस्टाग्राम में थोड़ी बहुत वीडियोस बनाती है, रील बनाती है, गलती उस बच्ची की है जो कि सड़क में चलना चाहती है, अपने भाई से कंधा मिलाना चाहती है, गलती उस बच्ची की है, गलती इन लोगों की नहीं होती है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, कुछ उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो चीजें चल रही है उत्तराखंड में देव भूमि कहा जाता है और शिवाजी नगर की गली नंबर 2 है ये, जेम्स से बिल्कुल ये रास्ता जो आप देख पा रहे होंगे सीधा सामने आता है। और बोला गया था ये जो डिवाइन रेजिडेंसी ये उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर एम्स में अपने मरीज को दिखाने आते हैं और उनके लिए कहीं घर वर नहीं मिलता तो होम स्टे बना देते हैं और वहां रुकते हैं। साथ में एक पार्षद, कांग्रेस के एक पार्षद है, उनके भाई का है, ये लीज पे ले रखा है और आज भी उस जो होटल है उस पर शटर डाउन नहीं है। 7 तारीख को लड़की के साथ कुकर्म होता है, 8 तारीख को बच्ची पैरवी देती है, 9 तारीख को उसको गिरफ्तार किया जाता है और फिर बोला जाता है यहाँ पे तो कोई मालिक ही नहीं है। कैसे उस मैनेजर ने 13 साल की बच्ची को उस कमरे में एंट्री दे दी? और शिवाजी नगर का रहने वाला रविंदर मिश्रा जो कि ब्राह्मण समाज से आता है, उसके साथ यहाँ पर आई थी बच्ची और उसको लेकर अंदर गया था, क्या कुछ नहीं किया उसने वहां? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैं तो कह रहा इस होटल को तो गिरना चाहिए, तुरंत गिरा देना चाहिए इसको, ठीक है? ये सारी गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट तोड़ देना चाहिए होटल, ठीक है? डायरेक्ट, ठीक है? सिर्फ तोड़ने मात्र से ही हो जाएगा? ऐसे तो अंकिता भंडारी का भी वो वन तारा रिजॉर्ट तोड़ दिया था। अगर तो शहर के अंदर कीमत सही बिक जाता, ठीक है, तो हर कोई बिका हुआ है तभी उसको कार्रवाई नहीं हो रहा।
ठीक है, तो शटर अभी खुला हुआ है जिसमें ताला लगना चाहिए, क्यों? आप यहीं लोकल के ही हैं? हाँ, मेरा घर 20 बीघे में। 20 बीघा से कितना ही दूर होगा यहाँ से? मुश्किल यहाँ से मुश्किल आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर होगा ना, आधा किलोमीटर। ये जो यहाँ पे रेजिडेंसी है, पहले ये बताइए, ये खुलनी चाहिए थी यहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र तो होटल तो होना नहीं चाहिए, पहली बात। सही बात, ये गांव के इलाके हैं, यहाँ पे होटल कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों ने पैसे चक्कर से होटल खोल रखा, ठीक है, ये हमसे चक्कर से खुलवा सारा है। हम कहते हैं हमारी देव भूमि में हम नेताओं के पैर छूते हैं कि भाई कल के दिन पे अगर ये जीत जाएगा, हम उसे आजादी कहते हैं। हम आजादी कहते हैं उसे कि जब हम कांग्रेस के किसी एक नेता को हटा के बीजेपी के नेता को डाल देते हैं, हम किसी बीजेपी का नेता को हटा के यूकेडी के नेता को डाल देते हैं, या फिर कोई निर्दलीय आकर जीत कर चला जाता है, हम उसे आजादी कहते हैं। ये है आजादी का 15 अगस्त का आज हम मनाते हैं। 78वें हम एंटर कर चुके हैं, 78 साल आजादी के। इतना कुछ देख लिया हमारे उत्तराखंड ने, हमारे पूरे भारत वर्ष ने, कि निर्भया कांड तक के बारे में भी आपने भली बातें सुना होगा, तो कोलकाता में वही चल रहा है इस वक्त। ये है आजादी सर। और क्या कुछ कहेंगे? गवर्नमेंट को केयर करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए हर होटलों पे, पहले उनको इंक्वायरी करना चाहिए तब देना चाहिए ऐसे। क्यों? अभी बच्ची थी, उसको रूम क्यों दिया उन्होंने? सारी गलती मैनेजर की है। होटल में लिस्ट तैयार होती है, जारी की जाती है कि 18 प्लस का होना चाहिए, लोकल एरिया का नहीं होना चाहिए। अगर लोकल एरिया का होगा तो उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा ऑप्शन। मगर ये जिस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही थी कि वो आया, उसने एंट्री करी बच्ची के बिना, कुछ पासपोर्ट वेरिफिकेशन किए, वो अंदर रूम पे जाता है, उसके साथ फिर वहाँ बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, अलग अलग तमाम चीजें मिलती हैं। वो चीज गलत, सारी गलती मैनेजर की है, उसको इसको फॉलो करना चाहिए था। फिर कहते हैं मैनेजर ने पैसे पूसे लेकर रूम दिया, हो भी सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते ना। आज आज आपको सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी चीजें कि अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा सर इसकी रक्षा? पब्लिक करेंगे सारे मिलकर। और क्या, कहां से सारी जिम्मेदारी पब्लिक की होती है। क्या आपको लगता है गलती सबकी गलती है? 1947 में हमें आजाद होना चाहिए था। अरे अच्छा ही था कि अंग्रेज हम पे शासन ही तो कर रहे थे, कम से कम हमारा अपना अपना तो नहीं काट रहा था हमें। बिल्कुल सही बात, अपने अपने खून काट रहा है आजकल, कोई किसी को नहीं होता, ठीक है। ये सारी गलती मैनेजर की है, इसको इसको जेल हुआ कि नहीं हुआ? अभी जेल तो हो गई है, मगर सिर्फ जेल मात्र से ही हो गया। अंकिता भंडारी वाला हत्याकांड जेल मात्र से ही हो जाएगा। अभी भी उसके माँ बाप धूल भापते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ढाल वाला की रहने वाली वो 13 साल की बच्ची के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? क्या सच में अपने माँ बाप, ये देखिएगा छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए स्कूल जा रहे हैं, अपने शिक्षकों को बोलते होंगे यार हम इन बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, अच्छे खासा चीजें चल रही है। अरे माँ बाप डरेंगे अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने में भी। अब माता से बात करते हैं। माँ कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है। आपके घर बिल्कुल घर यही है आपका? यही है, सामने घर के बगल में कुछ ऐसा हो रहा है, आपको पता है इस विषय में? हमें तो कुछ नहीं पता इस बात। एक 13 साल की बच्ची को इस होटल में लाया जाता है और उसके साथ कुकर्म किया जाता है, तो गलत है। एक 26 वर्षीय आप ही के लोकल एरिया का, शिवाजी नगर के गली नंबर 34 का रहने वाला रविंदर मिश्रा नाम का एक लड़का है। और उससे कहाँ के रहने वाले हैं वो? लड़की ढाल वाला की रहने वाली है। वो लड़का कहाँ का रहने वाला? यही शिवाजी नगर के। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या हमारी बच्चियाँ सेफ है? कहीं नहीं सेफ रहेंगे भाई, जब आज उसको तो कल हमारे बगल में भी होगा ऐसा। तो बगल में ही तो हुआ है, ये तो गलत है। गलत है, सच में गलत है। आप सोचिए, उनको तक नहीं पता कि यहाँ पे तमाम चीजें क्या हो रही हैं, किसी को पता ही नहीं है, चीजें आती नहीं सामने। मगर सच बोलूँ ना, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी भी नेता के, मगर अभी नेता की कोई रैली निकल जाएगी ना, ऐसे तमाम घर वाले सब मोहल्ले वाले बाहर ऐसे आएंगे कि बस भगवान आ गए हैं, भगवान के पैर छूने, हमें कभी भी कुछ भी मिल सकता है। समझे इस चीज को, संज्ञान में डाले कि 2000 में जब उत्तराखंड बना था, इतनी शहादतें दी थी हमारी मातृशक्ति ने, हमारे भाइयों ने, हमारे जो बॉर्डर में सैनिक मरते हैं उन्होंने, इस उत्तराखंड को बनाए रखने के लिए, ताकि उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसा ही हो। एक मैं अब आपको वहां लेके चलता हूं जहां पर वो लोग हैं, जहां पर ये रेस्टोरेंट है। एक भाई और आ रहे हैं सामने से, इनसे बात करेंगे। मैं कहूंगा थोड़ा अपनी आईडी पीछे। नमस्कार सर, कैसे हैं? पहले बढ़िया भैया, सावधान उत्तराखंड लाइव इनका चैनल है, काफी समय से उस पर एक्टिव रहते हैं और आजकल थोड़ा बहुत नहीं है। सूरज भाई, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में कि आपके शिवाजी नगर में एक 13 साल की बच्ची को पहले ढाल वाले से यहाँ लाया जाता है और उसके बाद इस रेजिडेंसी में आकर उसके साथ कुकर्म किया जाता है, इस विषय में क्या कहेंगे? भाई जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ गुल्लू भाई के चैनल पे भी और भी, क्योंकि उत्तराखंड का इतना दुर्भाग्य हो गया है कि यहाँ पे गलत काम धड़ल्ले से चल रहे हैं और बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि जिस लड़के ने ये काम किया है वो जात से ब्राह्मण भी है, पणताई भी करता था और खेलकूद में भी मतलब कोंस था वो।
अब वो ऐसा कर रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि क्या कोई रूल नहीं है या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर ऐसे कैसे रूम दे दिया कि 13 साल की लड़की को रूम दे दिया और पूछा भी नहीं गया? तो ये तो गलत है, वाकई बहुत गलत हो रहा है उत्तराखंड में। जगह जगह शराब बिक रही है, जगह जगह गलत गलत काम हो रहे हैं, लेकिन कोई रोक नहीं हो रही है। और गरीब आदमी जो मेहनत करके कमा रहा है उस पर पुलिस भी डंडा बरसा रही है, उस पर और लोग भी जो है कार्रवाई करने को तुरंत कि भाई तू यहाँ कैसे खड़ा है, यहाँ से भाग, लेकिन इन पे नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है, देवभूमि में सबसे पहले चरम पर तो यहाँ शराब बिकती है, फिर अब शराब के साथ साथ हमारी बहनों के साथ भी बदतमीजी की जाती थी, और वो बदतमीजी इस चरम पर पहुंच चुकी है कि 13 साल की उस बच्ची को, जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और एक शिक्षक द्वारा कैसे भरोसा करेगा कोई व्यक्ति अपने माँ बाप, अपने किसी भी एक ट्यूशन टीचर पर कि हाँ चलो मैं अपनी बच्ची को वहां भेजता हूँ, अपने बेटे को। और ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ भी चीजें होती है मगर उनको सामने नहीं लाया जाता, मगर बच्चियों के साथ इस तरीके की चीजें, हिंसा की जा रही है। क्या करना चाहिए इस रेजिडेंसी का? देखो ये तो कानून की व्यवस्था है भाई, कानून क्या करता है? कानून अगर सही है और सही निर्णय लेता है तो कानून का फैसला जो भी होगा, लेकिन ये देखने वाली बात है कि गलत तो गलत है, जो गलत हो रहा है उस पर रोक होनी चाहिए। और इस प्रकार से जैसे ये रूम जो मैनेजर ने दिया था ये गलत किया है, रूम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि 13 साल की लड़की को अगर आप रूम दे रहे हो तो ये तो फिर सोचने का विषय है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और इस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 13 साल की बच्ची, चलो ठीक है मानते हैं तुमने आईडी कार्ड नहीं था उसके पास, क्या उसकी हाइट और उसकी शक्ल देखकर ये नहीं आपका एहसास हो रहा था कि वो 13 छोटी है, अभी बच्ची है? और सबसे बड़ी बात, चलो मत देखो तुम उसकी हाइट, क्या पता वो अच्छी दिखती होगी, अच्छी लंबी चौड़ी होगी, शरीर से भी ठीक होगी, क्या पता वो व्यक्ति जो आए थे यहाँ पे शिवाजी नगर गली नंबर 32 का, यानी कि रविंदर मिश्रा जो यहाँ पर आता है, क्या उसके बारे में आपको ये नहीं था पता कि भाई तुम यहाँ लोकल में किस तरीके से कमरा दे रहे हो? क्या कारण था इसका? ये देखिएगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, शटर अभी भी ओपन है, किसी पार्षद के भाई का, कांग्रेसी पार्षद है वो, उसके भाई ने लीज पे लिया था इसको। गणपति जी का यहाँ पे बिल्कुल आह्वान करा जा रहा है कि हर अच्छे काम में गणपति जी का सबसे पहले स्वागत किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, और ऐसा ऐसा कुकर्म इस दरवाजे के अंदर हुआ था। अरे सिर्फ गिरफ्तार करने मात्र से ही कुछ हो जाएगा? क्या प्रशासन का, शासन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि किसी गली में जाकर चेक कर दे कि क्या ऐसा सच में वहां हो रहा है? मगर ऋषिकेश एक ऐसा स्थान, ऐसा केंद्र बन गया जिसे देव भूमि तो नहीं कहना चाहिए, इसे बोलना चाहिए कि भाई ये एक तो शराब भूमि है या कुकर्म करने वाली भूमि है, ये वो भूमि है जो कि हर वक्त यहाँ पर लोग आने में डरते हैं। अरे गलत मैसेज जाता है हमारे उत्तराखंड से बाहर लोगों को जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए कि भाई ऋषिकेश में जाकर ऐसा कुछ होता है। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है, ये रास्ता भी देखिए, इसके लिए कुछ करिए ना, ये जो रास्ता यहाँ पर टूटा पड़ा है उसके लिए कुछ करिए, इन चीजों के लिए नहीं होता है कुछ। एक और स्वतंत्रता दिवस कुछ ऐसा भी मनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है शायद आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि हमें आजाद होना चाहिए था या नहीं। बने रहिएगा जरूर लोकार्पण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ होता है इस पूरी कहानी में आपको हर एक पल की खबर देता रहूंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।